नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा भारतीय इतिहास के सीरीज में प्राचीन भारतीय इतिहास पाठ से संबंधित एक मगध साम्राज्य, जिस पर हमने 16 महाजन पदों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आज हम लोग दोस्तों करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले मगध साम्राज्य किस पर आज हमारा टॉपिक होगा एमसीक्यूज का, मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में 16 महाजन पद के बारे में दोस्तों हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण जो है एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों, महत्वपूर्ण कुछ एमसीक्यूज करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहले जिन्होंने अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़िएगा, फेसबुक आईडी से भी जुड़ जाइएगा। इसके बाद ये सिलेक्शन मेंटर, अभी जिन्होंने यूट्यूब चैनल पर हमारा वीडियो सिलेक्शन मेंटर नहीं सर्च किया, जल्दी से सर्च कर लीजिए। हमारे सारे सब्जेक्ट के एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये हमारे सर हैं वीरा सर, फाउंडर हमारे कोचिंग के। इसके बाद आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएस ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, और सारे गवर्नमेंट जो है नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइएगा। और एमसीक्यूज के साथ सारे ऑप्शन के जो है डिटेल के साथ साथ एमसीक्यूज कराए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो फिर चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजतंत्र कौन थे। तो इसमें चार ऑप्शन है आपके पास, पहला अंग, दूसरा मगध, वत्स और वज्जि। बी नंबर ऑप्शन में क्या है? कोसल, चेद, काशी और वज्जि। तीसरे में क्या है? अंग, मगध, कुरु और मल्ल। और चौथे ऑप्शन में क्या है? अंग, मगध, काशी और कोसल। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए चार ऑप्शन में कौन सही होगा। तो इसमें आपको हम दोस्तों बता रहे हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें डी ऑप्शन सही होगा, अंग। अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। मगध, मगध सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था और इसमें बहुत सारे शासक पावरफुल उत्पन्न हुए, ठीक है। जैसे मगध के शासक, तो राजधानी देख लेते हैं, तो सबसे पहले राजगृह, मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह। फिर गिरविज भी थी दोस्तों, क्या थी? गिरविज भी थी, ठीक है, राजगीर भी जिसे कहा जाता था, राजगीर। इसके बाद पाटिल पुत्र भी थी और इसके बाद पटना भी थी, ठीक है। तो ये मगध की राजधानी थी। काशी, काशी जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है महाजनपद, और काशी जो है व्यापार के लिए जाना जाता था दोस्तों, व्यापार के लिए जाना जाता था। और काशी महाजनपद जिसकी राजधानी थी दोस्तों, क्या थी राजधानी? वाराणसी। क्या थी? वाराणसी थी, ठीक है। और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है और गंगा नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक। कोसल ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इसकी राजधानी श्रावस्ती इसकी राजधानी है कोसल की। तो इस प्रकार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो रहा है। और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों कि छठी सती ईसा पूर्व में किस महाजन पद की राजधानी का नाम महाभारत और पुराणों में मालिनी मिलता है। तो आपको बता दे, पहला ऑप्शन है कोसल, दूसरा ऑप्शन अंग, तीसरा ऑप्शन कंधार, चौथा ऑप्शन काशी। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो सही होगा वो दोस्तों सही होगा अंग। अंग, अंग की जो है, अंग को ही मालिनी कहा जाता था दोस्तों, महाभारत और पुराणों में मालिनी मिलता है राजधानी के नाम के रूप में, ठीक है। तो ये अंग जो अंग था, इसकी राजधानी अभी आपको बताया हमने चंपा, राजधानी क्या थी दोस्तों? चंपा थी,
राजधानी जो थी वो चंपा थी, ठीक है। और सबसे पूर्वी महाजनपद था दोस्तों, सबसे सबसे पूर्वी महाजनपद था, पूर्वी महाजनपद था दोस्तों, ये मालूम होगा आप लोगों को। सबसे क्या था? पूर्वी महाजनपद था। और ये कहाँ स्थित था? बिहार का है ना, भागलपुर मुंगेर जिला, भागलपुर मुंगेर जिले में स्थित है, ठीक है। भागलपुर मुंगेर जिले में स्थित है। और इस महाजन पद को मगध में बिंबिसार ने मिलाया था। किसने मिलाया था? बिंबिसार ने मिलाया था, समझ गए होंगे, मिलाया था, ठीक। कोसल, कोसल के बारे में आप जानते हैं, कोसल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, श्रावस्ती, ठीक है। और यहां के जो नरेश थे, प्रसन्नचित, 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 जिन्होंने अपनी बहन की शादी, महाकौशला की बिंबिसार से की थी, बिंबिसार से की थी, बिंबिसार से की थी। और अपनी पुत्री की शादी, अपनी पुत्री की शादी वजीरा, वजीरा किससे की थी? अजात शत्रु से की थी। समझ गए होंगे इसके बारे में, कौशल के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं कंधार की। तो कंधार में देखिए, कंधार में क्या है? कंधार ये जो है पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, मालूम होगा आप लोगों को, पाकिस्तान के रावलपिंडी में, रावलपिंडी में। और इसकी जो कैपिटल है, राजधानी है, वो तक्षशिला है, तक्षशिला है, मतलब तक्षशिला विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, विश्व का पहला विश्वविद्यालय था, समझ गए होंगे। और ये शिक्षा और व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था, समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद हम लोग चलते हैं काशी की तरफ, मूव करते हैं। काशी में क्या था? तो काशी में देख लीजिए आप लोग, काशी, इसकी राजधानी आपको मालूम है, इसकी राजधानी क्या है? वाराणसी है। क्या है? वाराणसी है। और ये गंगा नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे बसा है, किनारे बसा है। आप लोगों को कंफर्म होगा, काशी दहेज के रूप में किन किन दो शासकों को मिले थे? अजात शत्रु, और किसको मिला था? बिंबिसार को। और किसे मिला था? बिंबिसार को प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आठ राज्यों का संघ था? कौन सा आठ राज्यों का संघ था, यूनियन था, यूनियन ऑफ स्टेट्स? तो देखिए, पहला ऑप्शन मगध, दूसरा ऑप्शन काशी, तीसरा ऑप्शन वज्जी, और चौथा ऑप्शन ये सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है आप लोगों का। तो इस चार ऑप्शनों में जो है वो सी नंबर ऑप्शन सही है, वज्जी। वज्जी जो था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, जिसको काफी लंबे समय के बाद संघर्ष के द्वारा इसको मगध में मिलाया गया था, वज्जी को। तो देखिए, वज्जी में आठ राज्यों का संघ था,
कितने का? आठ राज्यों का संघ था और इसमें सबसे शक्तिशाली, इसमें जो शक्तिशाली था वो था लिच्छवी गणराज्य। लिच्छवी गणराज्य समझ रहे ना, कौन था? लिच्छवी गणराज्य, ठीक है। लिच्छवी गणराज्य सबसे शक्तिशाली था और यह गणतंत्रात्मक भी था, गणतंत्रात्मक महाजनपद था, महाजनपद था। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद मगध, मगध आप जानते हैं, मगध की राजधानी राजगृह, याद करते चलिए आप लोग। राजधानियां, सारी राजधानियां आपको कंफर्म बार बार कराई जा रही हैं, सारी राजधानियां बिल्कुल आपको तैयार हो जानी चाहिए। काशी, काशी की राजधानी आपको वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। वज्र की राजधानी वैशाली, वज्र की राजधानी वैशाली, याद करते चलिए आप लोग, ठीक है। तो इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है। इस प्रकार तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चौथे क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? पहला अंगुत्तर निकाय, दूसरा दीर्घ निकाय, तीसरा सुपिटक और चौथा भगवती सूत्र। तो आपको बता दें, ये चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो पहला ऑप्शन सही होगा, अंगुत्तर निकाय। देखिए बौद्ध ग्रंथ का संपर्क अंगुत्तर निकाय से है और भगवती का जो संपर्क है वो जैन ग्रंथ से है। किससे है? जैन ग्रंथ से। हमें पता चलता है भगवती सूत्र से कि 16 महाजनपदों के बारे में, कि 16 महाजनपद थे मगध साम्राज्य में, और अंगुत्तर निकाय से भी हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और आपको मालूम होना चाहिए जो सुत पिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है, ये तीन पिटक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के पिटक है। पिटक कितने प्रकार के? तीन पिटक। सुत पिटक है, दूसरा कौन सा है? अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक, और फिर कौन सा है? विनय पिटक। तो इस प्रकार तीन पिटक है दोस्तों, विनय पिटक। समझ गए होंगे आप लोग। चलते हम लोग पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कौन सा महाजनपद स्थित नहीं है? नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपके पास सूरसेन, दूसरा ऑप्शन आपके पास अवंती, जल्दी से बताइए पंचाल, और चौथा है काशी। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए अपने ऑप्शन में कौन सा सही हो रहा है आपका। तो आपका सही जल्दी से बताइए, तो सही इसमें कौन सा होगा दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है वो है अवंती, सही होगा, ठीक है। केवल अवंती ही नहीं है दोस्तों, अवंती उत्तर प्रदेश में नहीं, बाकी सारे हैं। देखिए पहला तो सूरसेन, हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, सूरसेन, और सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा, जहां पर कृष्ण भगवान का जो है से संबंधित महाजनपद है। दूसरा सूरसेन के बाद क्या है? पंचाल, और पंचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र, अहिछत्र है। फिर या कंपिल भी बोल सकते हैं हम लोग, कंपिल भी बोल सकते हैं दोस्तों राजधानी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है पंचाल। समझ रहे होंगे ना आप लोग, पंचाल कहां स्थित है दोस्तों? पंचाल कहां है? उत्तर प्रदेश में। अगर आपसे क्षेत्र भी पूछता है तो आप क्या बताएंगे? बरेली, बरेली, बदाऊं और फरुखाबाद, फरुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में। पंचाल के बाद काशी, काशी, काशी कहां है? काशी जो है उत्तर प्रदेश में है और इसकी राजधानी वाराणसी, गंगा नदी के तट पर, वाराणसी गंगा नदी के तट पर, नदी के तट पर दोस्तों, क्लियर हो रहा है। अब हम चौथा लिखेंगे, चौथा है वत्स, वत्स की राजधानी कौसौंबी, कौसौंबी। अब ये कौसौंबी कहां है? इलाहाबाद के पास, इलाहाबाद के पास स्थित है, समझ गए होंगे। इसके बाद दूसरी राजधानी पांच,
में कोसल। अब कोसल कहाँ है? कोसल की राजधानी सबसे पहले हम लिखेंगे श्रावस्ती। कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती। और यह है कहाँ इस समय? आसपास के क्षेत्र में कहाँ कहाँ फैला है जल्दी से बताइए कहाँ पर। तो आपको बता दें यह भी उत्तर प्रदेश के में ही है। और ये मान लेते हैं इसके बाद मल्ल, मल्ल, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कुशीनगर और पावापुरी है। कुशीनगर और पावापुरी है, ठीक है। ये भी कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। तो आपके पास कितने हो गए? छह हो गए। अब बताइए कौन सा सातवां कहाँ पर स्थित है? तो मल्ल जो है वो देवरिया, देवरिया जिले के आसपास, भैया देवरिया जिले, देवरिया जिले के आसपास स्थित है। समझ गए होंगे, देवरिया जिले के आसपास स्थित है। इसके बाद सातवां क्या है? कुरु। और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। और ये कहां पर है दोस्तों? ये मेरठ में स्थित है। मेरठ, मेरठ उत्तर प्रदेश में ही आता है ना, मेरठ में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि कितने हो गए हमारे, जल्दी से गिनिए और बताइए कि कितने हो चुके हैं, ठीक है। पंचाल आपका हो चुका है, सूरसेन हो चुका है, काशी हो चुका है, वत्स हो चुका है, कोसल हो चुका है, मल्ल हो चुका है और कुरु भी हो चुका है दोस्तों, कुरु भी हो चुका है, ठीक है। और इस प्रकार जो आठवां है वो है आपका चेद, ठीक है। और चेद भी पड़ता है बुंदेलखंड में दोस्तों, बुंदेलखंड के आसपास, और बुंदेलखंड झांसी आसी लगा के सारे क्षेत्रों के आसपास होगा। और चेद की राजधानी होगी सोदिवती। क्या होती? सोदिवती होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आठ महाजनपद पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आपके दोस्तों, आठ जनपद पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल आठ जनपद हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जनपद हैं? आठ महाजनपद हैं। इस प्रकार फाइव नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम लोग सिक्स नंबर क्वेश्चन पर। और सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, ठीक है। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा राजगृह, तीसरा पटना और चौथा वैशाली। ये चार ऑप्शन है और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो जल्दी से बताइए, तो इसमें जो सही होगा, मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी वो दोस्तों राजगृह थी, पहली राजधानी। और राजगृह की जो स्थापना है किसने कराई थी? तो राजगृह की जो स्थापना कराई थी वो बिंबसार ने कराई थी। किसने कराई थी? बिंबसार ने कराई थी दोस्तों, ने कराई थी। कंफर्म हो गया ना? कराई थी ना, ठीक। और पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी, एक कुसुमपुर जो है नगर था उसी के नाम पाटलिपुत्र पड़ा। और ये जो स्थापना कराई थी वो उदयन ने कराई थी दोस्तों, ठीक है। पटना वर्तमान समय में राजधानी है, वर्तमान समय में राजधानी है, वर्तमान समय की राजधानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना है। वैशाली, वैशाली एक क्या था? वज्र महाजनपद की राजधानी थी, वज्र महाजनपद की राजधानी थी। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलते हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन पर। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा महाजनपद स्थित था? पहला कंबोज, दूसरा अवंती, ठीक है, तीसरा असमक और चौथा काशी। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो असमक सही होगा। असमक, असमक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। किस नदी पर? गोदावरी नदी के तट पर। समझ गया ना दोस्तों? और गोदावरी नदी के तट पर कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये सबसे सबसे दक्षिणी महाजनपद था, सबसे दक्षिणी महाजनपद दोस्तों, महाजनपद था। समझ गए ना आप लोग? महाजनपद था। कंबोज, कंबोज सबसे उत्तरी महाजनपद था, उत्तरी महाजनपद था दोस्तों, उत्तरी महाजनपद था, ठीक है। और काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये जो है व्यापार के लिए जाना जाता था, व्यापार के लिए, है ना। और
इसकी राजधानी वाराणसी। याद करते चलिए आप लोग, याद करते चलिए, बार बार आपको राजधानी बता रहे हैं, याद करते चलिए। अवंती, अवंती जो इसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन दोस्तों। क्लियर हो गया आप लोगों को? और चलते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पर। और 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा महाजनपद सभी महाजनपदों का नेटवर्क व्यापार के लिए था। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये, कौन सा महाजनपद सभी महाजनपदों का नेटवर्क व्यापार के लिए था। पहला काशी, दूसरा मगध, तीसरा गंधार, चौथा अंग। तो ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए इसमें कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा काशी। काशी सारे महाजनपदों के में एक व्यापार का नेटवर्क था, व्यापार यही से मूव होते थे दोस्तों, यही से सारे लोग गुजरते थे व्यापार के लिए। तो काशी एक प्रकार का महाजनपदों में नेटवर्क था दोस्तों, नेटवर्क था। पूरा कंप्लीट हो गया 8 नंबर क्वेश्चन। जल्दी से राजधानी, तो राजधानी बताइए आप लोग काशी की, क्या है? वाराणसी। क्या है? वाराणसी। मगध की राजधानी क्या है? प्रारंभिक राजगृह। क्या है? राजगृह। गंधार की क्या है दोस्तों? तहसीला, तहसीला पाकिस्तान के रावलपिंडी में। अंग की राजधानी दोस्तों चंपा, सबसे पूर्वी महाजनपद। चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कौन सा महाजनपद पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। देखिए अभी हमने आपको बताया पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले पर स्थित है, पहला कंबोज, दूसरा चेदी, तीसरा कंधार और चौथा कुरु। ये चार हैं आपके पास ऑप्शन, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये चारों ऑप्शन में जल्दी से बताइए, तो इसमें जो चारों में सही होगा वो होगा सी, कौन सा? कंधार। अब देखिए जो गंधार था दोस्तों, ये गंधार शैली के रूप में भी, गंधार शैली के रूप में भी फेमस है दोस्तों। अब इसकी राजधानी क्या है? तहसीला, तहसीला। राजधानी क्या है? तहसीला, समझ गए होंगे। और कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय, याद करते चलिए, विश्व का पहला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी बना था, विश्वविद्यालय, ठीक है, कौन सा? तक्षशिला, समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। तो और सारे ऑप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं, जैसे कंबोज के बारे में, ये उत्तरी महाजनपद था, उत्तरी महाजनपद था दोस्तों, महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद था, ठीक है। और ये श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था, घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, घोड़े के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, घोड़े के लिए प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध था, ठीक है। और इसका नाम एक और मिलता है राजधानी के रूप में, रूपनगर। अगर आपसे पूछता है रूपनगर किसकी राजधानी थी, तो आप बता देना कंबोज की राजधानी थी, समझ गए होंगे। चेदी, चेदी कहाँ है दोस्तों? चेदी, चेदी जल्दी से बताइए, चेदी कहाँ है दोस्तों? ये बुंदेलखंड में पड़ता है, कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में पड़ता है दोस्तों, कहाँ पड़ता है? बुंदेलखंड में पड़ता है दोस्तों, और यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे पड़ता है। और इसकी जो राजधानी है, राजधानी है वो क्या है? सोधिवती। क्या है? सोधिवती है दोस्तों, सोधिवती है, समझ गए होंगे आप लोग, पूरी तरीके से कंफर्म हो गया होगा। कुरु, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है, गुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है दोस्तों। कहां पर स्थित है? मेरठ जिले में, मेरठ जिले में स्थित है। क्लियर हो गया? तो 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, विश्व का पहला रिपब्लिक महाजनपद कौन सा था। पहला साकगढ़, साकगढ़ राज्य, दूसरा लिच्छवीगढ़ राज्य, तीसरा मगधगढ़ राज्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लिच्छवी, इसमें चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें लिच्छवीगढ़ राज्य सही होगा। विश्व का पहला गणतांत्रिक गणराज्य था ये, लिच्छवी, लिच्छवी गणराज्य, ठीक है, लिच्छवी गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, समझ गए ना आप लोग। और साग गणराज्य का संबंध जो है वो महात्मा बुद्ध से है, महात्मा बुद्ध से है दोस्तों,
महात्मा बुद्ध से है, और लिच्छवी गणराज का संबंध महावीर से है, महावीर से है दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद 11 नंबर क्वेश्चन पे। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा महाजनपद सबसे पूर्वी हिस्से पर स्थित है। तो अभी आप लोग क्वेश्चन बता चुके हैं, जल्दी से अपने बताइए कौन सा सही होगा। पहला मगध, दूसरा अंग, तीसरा अवंती और चौथा पंचाल। तो चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चार ऑप्शन में जो सही होगा आंसर वो होगा अंग, अंग की राजधानी चंपा, अंग की राजधानी चंपा। ये सबसे पूर्वी हिस्से पर महाजनपद, ठीक है ना, सबसे पूर्वी हिस्से पर महाजनपद है दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो है क्या कहते हैं कि सबसे पूर्वी में कौन सा है अंग, दक्षिणी में अस्मक, उत्तरी में कंबोज और पश्चिमी में कौन है दोस्तों अवंती। समझ गए होंगे, चलते हैं हम लोग मगध के बारे में। मगध की राजधानी राजगृह मालूम होना चाहिए, अवंती की राजधानी उज्जैन, अवंती की राजधानी ये मध्य प्रदेश में पड़ता है उज्जैन, या कह सकते हैं हम लोग महिष्मति। और एक राजधानी और मिलती, सबसे पुरानी राजधानी जो अवंती की है वो अवंतिका मिलती है, अवंतिका, ठीक है ना, अवंतिका। और पंचाल फरुखाबाद, बदाऊं जिला फरुखाबाद के आसपास के क्षेत्र में पंचाल दोस्तों, ठीक है। और पंचाल की राजधानी क्या थी दोस्तों, अई छत्र थी, ठीक है ना। चलते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, छठवीं सदी ईसा पूर्व में कौन सा महाजनपद प्रारंभ में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। पहला मगध, दूसरा काशी, तीसरा कंधार, चौथा अंग। तो चार महाजनपद में जल्दी से बताइए कौन सा सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था दोस्तों। तो इसमें था काशी, कौन सा था काशी, सबसे शक्तिशाली था दोस्तों, सबसे, जिसकी राजधानी क्या है वाराणसी है। और गंधार की राजधानी याद करते चलिए क्या है, तस्सिला है। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी राजगृह है, मगध की राजधानी राजगृह। तो सबसे शक्तिशाली जो नगर राज्य था वो काशी था दोस्तों, कौन सा था काशी। 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन महाजनपद राजस्थान में स्थित है। पहला अवंती, दूसरा वत्स, तीसरा मत्स और चौथा कुरु। ये चार ऑप्शन है आपके पास, और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो इसमें मत्स सही होगा, मत्स ही राजस्थान राज्य में जयपुर पर स्थित था दोस्तों, ठीक है ना, जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। और इसकी जो राजधानी है दोस्तों वो है विराट नगर है। समझ गए होंगे, क्योंकि इस राजधानी एक यहां पर विराट नामक शासक था उस समय, उसी के आधार पर इसे विराट नगर राजधानी के रूप में जो है इसे घोषित किया गया दोस्तों। समझ गए होंगे, तो इस प्रकार हमारे 13 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। 16 महाजनपदों से जितने भी हमने एमसीक्यूज थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके पेपर के दृष्टि से, वो सारे एमसीक्यूज हमने सॉल्व करा दिए आप लोगों को, ठीक है ना। तो अब तक जिन स्टूडेंट ने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से पहले लाइक कर लें, शेयर करते रहिए, क्योंकि आपके दोस्त भी जुड़े होंगे, आपके रिश्तेदार भी आपके साथ में होंगे, सारे लोगों को तैयारी कर रहे होंगे, तो उनको भी इस वीडियो के माध्यम से
जो है हेल्पफुल हेल्प मिलेगी दोस्तों। और जल्दी से सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे जल्दी से जल्द, ठीक है ना। तो फिर हम लोग यही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।